एवरेज फिलहाल तो हमें नॉट बैड, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा, उसमें उसमें तीखा बहुत ज्यादा जो कि बिल्कुल गले में जाके लग रहा है। या फूड पांडा होगा ऐसे नहीं पहनते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं जोहो टाउन एक्सपो सेंटर लाहौर में और यहाँ पे होने जा रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल, विच इज अरेंज बाय हम नेटवर्क। हम नेटवर्क की तरफ से ये अरेंज किया गया है जहाँ पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिलने वाले हैं, फूड वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे शेफ प्रोफेशनल शेफ जो है वो अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा और क्या क्या होगा भैया? सर बात तो सारी मसाले की है, हर शख्स को अपनी लाइफ में मसाला चाहिए होता है, चाहे वो बातों में हो, हरकतों में हो, फूड एंटरटेनमेंट, हर जगह पे मसाला 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 मसाला, हर शख्स को मसाला चाहिए। इसी वजह से हम ये मसाले का नाम सुन के जो है ना वो एक्सपो सेंटर में आया है। वैसे भी खवातीन मसाले में बहुत एक्सपर्ट होती हैं और आपके लिए तो ये खवातीन के लिए स्पेशल व्लॉग है ये, जो कि किचन में मसाले बहुत कसरत से यूज़ करती हैं, जिनको बहुत शौक है स्पाइसी फूड्स बनाने का। सिर्फ किचन में मेरे ख्याल से तो किचन में वो मिस्त्री भी मसाले लगाते हैं दीवारें जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, तो वो भी मसाला जो तुमने कहा वो भी ठीक है। अच्छा वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी मसाला लगाती है। लेकिन अंदर आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी, वो हम थोड़ा सा यहीं पे डिफाइन कर दें कि अंदर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल्स हैं, शेफ आए हुए हैं यहाँ पे। एक मैंने नाम भी पढ़ा था, शायद वो आ रहा था ऐड पे, आ रहा था रिदा टाइप की कोई शेफ है, वो आ रही थी। हाँ ऑब्वियसली जुबैदा अपा को तो लाने से रहे, जुबैदा अपा नहीं आएंगी भाई। एनीवे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मजीद क्या है, बाकी हमारे साथ जुड़ लीजिए। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करवाएं यार, ये सब्सक्राइब नहीं करते, कर रहे हैं वैसे। मजीद जो है ना वो आपसे बड़ा प्यार मिल रहा है हमें, चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन मजीद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना वो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या, चलो चलते हैं। तो मेरे लिए तो दो ले लेना, एक दो तीन। कितने की टिकट है? 100 की, 100 पीस टिकट है। मसाला मुद्दे गुजरते नहीं थे, कैमरा खराब हो गया, कोई बात नहीं, वापस है। सलमान एंट्री तो होने नहीं दे रहे फैमिली के बगैर, बेटा वो फैमिली के बगैर एंट्री नहीं होने दे रहे, मैं भी सलमान हूँ, फैमिली अरेंज करके मैंने टिकट बाय कर ली। अब यहाँ से उनके थ्रू एंट्री होने के बाद बस ठीक है, कौन जानता है फैमिली। चलो ठीक है, मैं भी एक असिस्टेंट बन जाता हूँ तुम्हारा। एक और तुम्हें एक और गुर की बात मिली कि किस तरह से फैमिली अरेंज कर, अच्छा वो तो बता दो ना, मुझे तो बता दो, ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाए। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, पता तो चल जाएगा। Thank you.
जी सर क्वालिटी आप बताया हेल्दी फूड है सर यार कोई क्वालिटी फूड है सर क्वालिटी इशू वगैरह इशू सर कैसा टेस्ट यार बस और टेस्ट तो अच्छा है बाकी फर्दर मैम मैम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा मेरा नाम साहब कमल है मैं असिस्टेंट मैनेजर रिटेल इन ओलंपिया फूड कैसा लगा टेस्ट आपको टेस्ट फिलहाल तो हमें नॉट बैड मैं ये नहीं कहूँगा मैं ये नहीं कहूँगा उसमें तीखा बहुत ज्यादा जो कि बिल्कुल गले में जाके लग रहा है ठीक है थोड़ा सा इसको और जी थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि बाकी ओवरऑल स्पाइसेस ठीक है तीखा थोड़ा ज्यादा जो कि गले में लग रहा है आपको यही चीज हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों से फीडबैक लें फ्री टेस्टिंग हम इसीलिए करा रहे हैं ऑब्वियसली फ्री टेस्ट करने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन आपको टेस्ट बताने वाला चाह रहे हैं कि हमें ऑनेस्ट रिव्यूज दें क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर करना चाह रहे हैं क्या मैं टेस्ट कर सकता मेरे टेस्ट पर श्योर इंशाल्लाह अच्छा वैसे बहुत अच्छा बल्कि बस सिर्फ टीका ज्यादा लग रहा है जो टीका ज्यादा लग रहा है ठीक है बाकी बहुत अच्छा ओवरऑल क्वालिटी फूड है बहुत ज्यादा वो जो ऑयल होता है वो ज्यादा नहीं है उस चीज से थोड़ा बहुत ज्यादा ये हमारा फुली कुक्ड है और इसको आप खाना वो दोनों लवर है इसलिए मैं यही चाह रही हूँ हमें सही बताएं अगर बुरी भी है कोई चीज अच्छी नहीं भी लग रही तो फॉर श्योर ही हमें बताएं ताकि जो है ना हम अपनी प्रोडक्ट बेटर से बेटर करें नहीं इंशाल्लाह अच्छा है बट वही है कि आपका टेस्ट अच्छा है आपकी क्वालिटी अच्छी है क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्राइसेस आपको इसलिए कम नहीं मिलेगी हमारी नहीं जी थैंक यू सो मच ये जी
टिक्का, ये कौन सा फ्लेवर है? ये टिक्का फ्लेवर है, टिक्का फ्लेवर है, मोज़रेला चीज़ के साथ ही तैयार है। ओके ओके, टेस्ट टेस्ट कर लो, डिप के साथ टेस्ट कर लो। ये तो बहुत वो है, गरम भी बहुत लग रहा है और चीज़ एक्स्ट्रा ही चीज़ लग रही है मेरे ख्याल से। फ्रेश है पिज्जे की, फ्रेश है, टोटल फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। आज चीट भी होगा हमारा, हम लोग पिज्जा नहीं खाते और मैं तो ऑलमोस्ट कोई एक साल बाद खाने लगा हूँ। ख्याल है मेरा, ख्याल है कि जितना ये फ्रेश है ना इसको इसको वैसे ही तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। खाना पकाना अच्छे तरीके से आता हो, ये ना ना फूड पांडा कर करके जो ना वो मैं थक जाऊँ। बेटा कुछ तो होगा या फूड पांडा होगा, ये उल्टे पुल्टे मशवरे उल्टी पुल्टी रेसिपीज देने वाली है। छोटे छोटे सवाल है और उनके जवाब पे या सर इन्हों छोटी तो वड्डी इलाची का फर्क नहीं पता जेड़े इतने मसाला फूड फेस्टिवल ला के बैठे। मैंने पहली बार सुना इसको रिदा, हमने तो आज तक वो ज़ुबैदा में सुना था, ये रिदा आफ्ताब शेफ है, इसको मैंने पहली बार देखा। जितनी क्यूट सी है इसको देख तो सालन खुद ही अच्छा बन जाता होगा। थोड़ा अंदाजी की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। अभी 5 रुपए Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Lo ji ave asal Karachi nimko. Asi hun tak jehdi khade si oh jali. ਯਾ ਸਰ ਹਾਲੀ ਨਿਮਕੋ ਨੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ, ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਇੰਝ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਲੀ ਨਿਮਕੋ ਦਾ। जादुई प्रोडक्ट है ये, नोकिया 3310 को आईफोन बनाने के लिए ये वाला ब्रांड है। बाल कुड़ी चीज बंडी दी ले जा भैया, सर तेरे बच्चे वाली पैंपल ले ली, अभी नहीं ले रहे सामान। ये देखो क्या है, ये 200 चल जाना सबब भी और की है। तो मुझे बताओ, मुझे सेव करने के लिए भी कोई चीज
इसके लिए वो 10 रुपए और तिब्बत साबन भी ठीक है, मुझे कोई और चीज़ चाहिए मेरा मुँह खराब। साबन ही करो, मैं साबन रखा होगा घर और दूसरे भी यूज़ कर। मतलब मैं चिटा नहीं हो सकता? हो सकते हैं आप वाइट भी हो सकते हैं, नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो कोई फेक लुक नहीं आएगी आपके फेस। गोल्डन पर्ल वो गोल्डन पर्ल मतलब सिर्फ आपकी नेचुरली ब्राइट हो स्किन, नेचुरल लगेगा। मतलब मैं जवाब ही समझू कि इससे सिर्फ नेचुरल ग्लो मिल सकता है मुझे 2-4 मिनट का या परमानेंट? यूज करते रहेंगे तो फिर वो कौन सा दरख्त चाय और नीम के पत्ते? सीरियसली दरख्त चाय और नीम के पत्ते ये नहीं हो सकता यार, मेरा मुंह फिटे भी रहेगा ना क्या है? ये था एक्सपो सेंटर के अंदर जो आज का लगा हुआ था वो। हाँ जी, सो गाइज ये था एक्सपो सेंटर के अंदर मसाला फेस्टिवल, बहुत सारी मसालेदार चीज़ें आपने देखी होंगी आई श्योर, हमने तो बहुत ज़्यादा देखी हैं। और रही बात आज हम इतना थक गए हैं पूरा राउंड लेते लेते और इतना सामान कर रहा था, तो मैं फुट स्टेप बताऊँगा जाके, अल्लाह जाने मुझे नहीं लगता आज वर्कआउट भी हो सकेगा। नहीं कर सकेंगे यार, बिल्कुल नहीं होगा फुटफॉल। मैं जाके तो मैं काउंट करके सारा बताऊँगा कि कितने स्टेप हमने आज जो है वो चला, सिर्फ इनके लिए कितने किलोमीटर सफ़र किया फिर अंदर रहते हुए। अरे बहुत अच्छा था ये, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मसाला बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, अंदर क्राउड बहुत ज्यादा है। चलते हैं, अगर आपको थक गए हैं। हाँ, चलो चलते हैं, बाय बाय कर दो। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे, नेक्स्ट व्लॉग हम बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट व्लॉग लेकिन अभी शेयर नहीं करेंगे, बताना बड़ा नहीं नहीं अभी नहीं बताना, बड़ा मजे का नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय।